देखिए, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कुछ जॉब पर जो रिक्वायरमेंट आती है जिन जिन क्वेश्चनों की उनके बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आती है, पार्टी के लेजर के बारे में डिस्कस करना कि अगर मुझे एक पार्टी का लेजर निकालना है तो कैसे निकालना है। आप अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट प्लस एल दबा दीजिए और जो भी हो वो आप टाइप करके अप टू करें। लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या थी, जब भी कोई नाम आप लिखो, चाहे वो कोई भी नाम हो, उसको नाम टाइप करने के बाद इंटर मारने के बाद डायरेक्ट एफ टू बटन दबा दीजिएगा। चाहे आप सेल की लिस्ट निकालो, परचेज की लिस्ट निकालो या किसी भी चीज़ की आप लिस्ट निकालो, तो आप हमेशा लिस्ट निकालते वक्त ही एफ टू ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि वो लिस्ट आपकी फास्टली आ जाए। क्लियर है। दूसरा, वो कहता है मुझे पार्टी की लेजर चाहिए, तो ओल्ट प्लस एल होता है। अपने कीबोर्ड पे ओल्ट प्लस एल दबाएंगे और जो भी पार्टी का नाम मांगे उस पार्टी का नाम आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, चाहे कि जो भी नाम आपको बोले। इस तरीके से आगे समझ में, ये चीज़ आपको बतानी। फिर वो कहता है इसका प्रिंट आउट निकाल दो, तो आप फटाफट क्या करोगे, ओल्ट पी एंटर ओल्ट पी, तो प्रिंट प्रीव्यू आता है। क्या शॉर्टकट की होती है, आप अगर अपने कीबोर्ड पे ओल्ट एल करें, पार्टी का नाम टाइप करें और डायरेक्ट इंटर नहीं यूज़ करें, क्या यूज़ करेंगे, एफ टू, देन एफ टू ओल्ट पी, फिर इंटर एंड देन ओल्ट पी। मैं आराम आराम से कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ, लेकिन जब आपको करने का मौका मिले तो आप फास्टली करना। इस तरीके, जैसे आपने नाम टाइप करा, एफ टू करा, इंटर मारा, ओल्ड पी इंटर ओल्ड पी, ताकि उसको पता भी नहीं चले आपने कौन कौन सी की दबाई। क्लियर है। लेकिन प्रिंट प्रीव्यू तो देना नहीं है, हमें प्रिंट देना है डायरेक्ट। तो आप क्या करना, ओल्ड एल, जो भी पार्टी का नाम बोले उस पार्टी का नाम यहाँ टाइप कर देना, ओल्ड पी करना, इंटर मारना और एफ टू कर देना, तो आपका डायरेक्ट प्रिंट आउट आ जाएगा। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी को प्रिंट आउट दो तो इन टॉपिकों को एक बार ज़रूर पढ़ लिया करना, वो कौन टॉपिक चाहता है कौन सा नहीं चाहता। उसने कंडीशन रख दी कि यहाँ पर मुझे आइटम भी शो, क्या क्या आइटम मैंने उसको बेची है, तो यहाँ पर ये टॉपिक अनेबल कर देना। अगर आप इनको पढ़ लोगे तब भी आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी मैक्सिमम। ये तो हो गई ओल्ट एल की बात। अगर कोई कहता है आइटम का लेजर दिखा दो, तो अपने कीबोर्ड पे ओल्ट जी टाइप करना, आई मत टाइप करना। क्या टाइप करना, ओल्ट जी, क्योंकि जी से किसी भी आइटम की डेली रिपोर्ट आती है और मार्केट में डेली रिपोर्ट चाहते हैं। ये रिपोर्ट आपको एनुअल, जब आपकी कोई रिपोर्ट बनती है तब आपकी यूज़ होती है ओल्ट आई और ओल्ट ए, बाकी ओल्ट एल ओल्ट जी यूज़ होता है हमेशा, क्योंकि एक डेट पीरियड के लिए ही यूज की जाती है। क्लियर है। अच्छा, मुझे आप बता दीजिए, अगर मुझे किसी आइटम का रेट चेक करना तो कैसे चेक करूँगा मैं। क्या करूँगा राहुल, हार्दिक, सिंपल क्वेश्चन है। पुनीत सर, सबसे पहले ओल्ट जी कीजिए, जो आइटम का नाम है वो टाइप कीजिए, उसके बाद उसको मॉडिफाई कर दीजिए ओल्ट प्लस एम से, तो भी आ जाएगा। सर एक और तरीका था, कहाँ पर, यहाँ पर आके, यहाँ भी तो आइटम बनती है, यहाँ मॉडिफाई में जाके उस आइटम का नाम डाल दो। सर आपका सेल का चाहिए परचेज का, वो भी आप कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो, आप यहाँ एंट्री करते वक्त भी चेक कर सकते थे। ये सारे तरीके हैं, यही चीज़ें पूछी जाती हैं कि मुझे, आप इंटरव्यू में बैठे हो, आपके सामने कीबोर्ड रख दिया कि आप ये बताओ एक आइटम का रेट कैसे निकलेगा, देन आप कैसे निकालोगे। तो आप अपने कीबोर्ड पे ओल्ट आई करो, आइटम पे जाओ मॉडिफाई, ठीक है। अगर पवन को किसी पार्टी का ग्रुप चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, डेप्टा से क्रेटस करना है, क्रेटा से तो डेप्टस करना है, कैसे करोगे आप। मोहित कैसे करोगे, अमन कैसे करोगे, पार्टी की बात कर रहा हूँ तो ओल्ट जी तो काम आएगा ही नहीं, ओल्ट एल काम आएगा। अब तो पार्टी के लिए क्या जाता है, ओल्ट एल करो, ठीक है, जो भी पार्टी का नाम है वो टाइप करो और यहीं क्या टाइप कर दो, ओल्ट प्लस एम। दूसरा तरीका क्या है, आप मास्टर में आ जाओ, यहाँ पर, यहाँ मॉडिफाई कर दो जो भी नाम बोला जाए, ठीक
ठीक है, यही चीज़ मांगी जाती है। दूसरी चीज़ आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी किसी कोई गलती हो जाए तो उसके बाद उसको F9 ज़रूर करना होता है। समझ में आ गया? अच्छा, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो निधि, इसके अंदर और यहाँ से ओल्ड पी कर दो, सेल कर दो, ओके। क्या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, क्या कॉम्प्लिकेटेड? तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिल के जाइए मुझसे क्लास के बाद, ठीक है। आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप लोग ही। बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों को खुद याद रखने कि अगर कोई बिल सेफ हो जाता है ना और उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए कुछ, या तो दोबारा F2 कर दीजिए तब भी प्रिंट आउट आ जाएगा, या तो अपने कीबोर्ड से क्या दबा दीजिए, ऑल्ट पी, क्या दबा दीजिए आप लोग, ऑल्ट पी, तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सुमित उसको दे के नंबर नोट कर लिया और मैं उसको बता दूंगा बाद में। समझ में आ गया आप लोगों को? चल सकते हैं आगे, इतने में किसी को प्रॉब्लम है? दूसरा, अब बात आती है ओल्ट एल पार्टी के लिए यूज होता है, ओल्ट आई आइटम के लिए यूज होता है। समझ आ गया? चाहे वो पार्टी का एड्रेस मॉडिफाई करा या पार्टी का कुछ भी, अपने कीबोर्ड से ओल्ट एल टाइप करना है, जो पार्टी का नाम बोले वो टाइप करो एंड देन ओल्ट प्लस एम कर दो, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि आप एड्रेस को किस वे में लिखते हो, ये भी ज़रूरी है। आप डाटा को कैसे शो करते हो, चल सकते हैं। देन नेक्स्ट, ओल्ट एल सीख लिया, ओल्ट आई सीख लिया, ओल्ट पी कहीं से भी निकाल सकते हो। आप कभी, आपने सोचा परचेज का प्रिंट आउट निकालना तो कैसे निकालेंगे? कभी परचेज पे आपसे पूछता है कि आपको प्रिंट आउट चाहिए? नहीं चाहिए ना। अगर किसी ने मांग लिया तो कैसे निकालोगे? वही सेम है सर, अपने कीबोर्ड से क्या दबा दूंगा मैं, ओल्ट पी, ये एंड देन ओके आ जाएगा। सब किसी का भी ऐसे ही होता है, बस आपको सोचना है कि कैसे प्रिंट आउट देना है। अब ये नहीं कि सर मैं सेव करता हूँ तो इसका प्रिंट आउट आता ही नहीं, तो मैं प्रिंट आउट दे भी नहीं पाऊंगा डायरेक्ट, ठीक है ना, ये मत सोचना। दूसरी बात आती, किसी ने बोला मुझे ग्रुप वाइज स्टॉक निकाल के दिखा दो या ग्रुप वाइज आइटम बता दो, तो जब भी वो आइटम की बात करेगा तो स्टॉक स्टेटस में जाएंगे। जब भी कोई आपसे रिजल्ट के बारे में डिस्कस करता है कि मेरे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, देन आप डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, स्टॉक स्टेटस में। स्टॉक स्टेटस में पहला टॉपिक भूल जाइए, एक बस इसी टॉपिक को पकड़िए हमेशा, क्लोजिंग स्टॉक अल्फाबेटिकल। इस पे इंटर मारेंगे, तीन टॉपिक होते हैं, एक होता है बैलेंस ओनली, एक होता है डिटेल, एक होता है कॉलमर। आपको हमेशा बैलेंस ओनली पे क्लिक करना है, आपको मिलेंगे चार टॉपिक, जिसमें पहला टॉपिक है ऑल आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम, वन आइटम एंड सिलेक्टेड। ऑल आइटम का मतलब सारी आइटम आ जाएंगे, ठीक है, जैसे इस वे में सारी आइटम आ जाएंगे। लेकिन ये पता चल रहा है ये आइटम कौन से ग्रुप की, नहीं पता चल रहा ना, एक टॉपिक अनेबल कर लो, क्लियर है सर? लेकिन क्या बैलेंस ओनली में जीरो वाली फिगर वाली कोई वैल्यू नहीं आती? अगर आप जीरो फिगर वाली चाहते हो वैल्यू, तो क्या कर देना आप लोग, इस टॉपिक पे अनेबल कर देना, शो
ज़ीरो स्टॉक ऑफ आइटम, क्योंकि वहाँ साफ साफ लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था, बैलेंस ओनली। मुझे आप उन्हीं की रिपोर्ट दिखाना जिनकी बैलेंस है, मुझे जिनका स्टॉक ज़ीरो है उनकी वैल्यू मत दिखाना। अगर चाहते हो तो आप किस पे क्लिक कर दोगे, शो वैल्यू ऑफ आइटम, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ आइटम पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ग्रुप नाम डाल के शो करना पड़ेगा, सारे ग्रुप आ जाएंगे। वन आइटम, किसी एक आइटम के बारे में बात की जाती है, और सिलेक्टेड आइटम का मतलब होता है किसी 10 आइटम में चुनना, जैसे इसमें सो लिस्ट जो चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए और इन्हीं का ही स्टॉक आपको शो, क्लियर है। तो आप इस पर्पज से निकाल सकते हैं, क्लियर। किसी ने कहा सर मुझे इन भी बताओ, आउट भी बताओ और रिमेनिंग भी बताओ, तो डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाना आप, स्टॉक स्टेटस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक अल्फाबेट, एंड देन आप आ जाना डिटेल पे, यहाँ जाना ऑल आइटम लेना और डायरेक्ट ओपन कर देना। तो इसके अंदर ओपनिंग भी बताएगा, इन भी बताएगा, आउट भी बताएगा और साथ साथ सी एल भी बताएगा, सी एल मतलब क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। आगे समझ में आप सभी को, सर इसके अंदर वैल्यू नहीं आ रही, कितने लाख का माल हमने खरीदा है, कितने लाख का माल बेचा है, तो आप क्या कर दोगे, इस टॉपिक पे क्लिक कर दोगे जिस पे लिखा होता है शो वैल्यू ऑफ आइटम, ये यहाँ से वैल्यू दिखाएगा, क्लियर है। मैं हमेशा ये चीज़ बोलूँगा आपको, जब भी कोई रिपोर्ट निकालो तो एटलीस्ट, ठीक है, मुझे क्या कर देना आप, ये सारी चीज़ें चेक कर लेना। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। दूसरी चीज़ आती है, ये तो हो गई आइटम के ग्रुप के, किसी ने बोला का इन मैम ने ही बोल दिया कि सर मुझे डेप्टर की लिस्ट देखनी है, कौन कौन से मेरे डेप्टर्स हैं या किन किन डेप्टरों से कितना कितना पैसा लेना है। अगर आपसे कोई कहे मुझे वो पार्टियाँ ला के निकाल के दे दो जिनसे मुझे पैसा लेना है, या मुझे वो पार्टियाँ ला के दे दो जिनको मुझे पैसा देना है, या तो पेबल दे दो या तो मुझे रिसीवेबल दे दो, जिनसे मुझे लेना है या जिनको मुझे पैसा देना है, बस वही पार्टी ला के दे दो, तो आप कहाँ आ जाओगे, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, जो बचा हो। इस पर क्लिक करोगे दो टॉपिक मिलेंगे, एक अमाउंट रिसीवेबल जिनसे आपको पैसा लेना है, एक अमाउंट पेबल जिनको आपको देना है। आप किस पे आओ, अमाउंट रिसीवेबल, कहता है ऑल आइटम, सॉरी ऑल अकाउंट, ग्रुप ऑफ अकाउंट या फिर सिलेक्ट अकाउंट, तो आप ऑल अकाउंट कर दो, जितनी पार्टी होएंगी सब आ जाएंगी। ये ज़रूरी नहीं, हमें 8 करोड़ रुपए देने हैं, ठीक है, आ जाइए। समझ आ गया, लेकिन सर मुझे पता करना है उसने कितने का माल लिया, कितना पैसा दिया और कितना पैसा बकाया है, मुझे डिटेल चाहिए। अब तो आउटस्टैंडिंग के बाद आपको मिलता है अकाउंट समरी, यहाँ से मिलेगा आपको कंसोलिडेटेड समरी। इस टॉपिक पे आइएगा, एंटर मारिएगा, यहाँ से मिलेगा आपको अकाउंट वाइज। जैसे ही आप इंटर मारेंगे आपको यहाँ से टॉपिक मिलेंगे ऑल अकाउंट, ग्रुप ऑफ अकाउंट और सिलेक्ट अकाउंट। अगर आप ऑल अकाउंट करोगे तो सब आ जाएंगे, हमें किसकी बात करनी, किसी एक ग्रुप की, तो किस पे जाओगे, ग्रुप ऑफ अकाउंट पे, और जो भी ग्रुप डालोगे वो ग्रुप आ जाएगा। डेप्टर्स तो सारे डेप्टर्स आएंगे, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। डेबिट का मतलब होता है जितना पैसा आया हो वो क्या कहलाता है, डेबिट, और जितना आपने उसको सेल किया वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट। कहता है 283 की सेल हुई है, 283 आ गए, बैलेंस कितना है, कहता है
ए आर एंटरप्राइज को इतने का माल बेचा, इतना पैसा आ गया, इतना, देन दिस एंड दिस दिस दिस, क्लियर है? टोटल ये फिगर हमारे पास अवेलेबल है, क्लियर है? आपने कहा सर क्रिएटर्स दिखा दो, तो क्या लिख दो? क्लियर है? बैक आ जाओ, कहाँ पर गए थे हम लोग? दोबारा अकाउंट समरी में, कंसोलिडेट समरी, अकाउंट वाइज, ग्रुप ऑफ अकाउंट, और जो भी हमारा ग्रुप था वो डाल दिया हमने यहाँ, क्लियर है? आ गया, आ जाओ। इतने में किसी को प्रॉब्लम आई? अब सबसे ज़्यादा यूज़ होती है डे बुक। अगर मुझे एक दिन का लेखा जोखा चेक करना है अपनी कंपनी में, तो मैं क्या करूँगा? मैं डे बुक निकालूंगा। क्या करूँगा? मैं डे बुक निकालूँगा। मैं अकाउंट बुक में आके डे बुक निकालूंगा, और एक इन्वेंट्री बुक में जाके डे बुक निकालूंगा। डे बुक दो तरह की होती है, एक आइटम वाइज होती है, कितनी आइटम आई, कितनी बिक गई और कितनी बची। एक होती है पार्टी, किससे कितना आया पैसा आज, कितना गया और कितना बचा है, क्या कहलाती है? डे बुक। एक अकाउंट डे बुक होती है, एक इन्वेंट्री डे बुक होती है। अकाउंट डे बुक यहाँ से ले क्योंकि इस वाली चीज में हमेशा किससे बात की जाती है? आइटम को बनाना, आइटम को घटाना, किसके लिए बात की जाती है? इन वाले टॉपिकों में। और बाकी सभी टॉपिकों में किसकी बात की जाती है? खाली अमाउंट की, पार्टियों की। इसलिए डे बुक दो तरह की होती है। अगर कोई पूछे आपसे डे बुक कितने तरह की होती है, तो आप बताएंगे सर दो तरह की होती है। पहली इन्वेंट्री डे बुक होती है, एंड सेकेंड वन इज अकाउंट डे बुक। अकाउंट डे बुक अकाउंट बुक से निकलती है, और इन्वेंट्री डे बुक इन्वेंट्री बुक से निकलती है। आगे समझ में? फिर आपको कहाँ जाना है? डे बुक पे आना है। यहाँ क्लिक करो तो लिखा होता है शो कैश बैलेंस। आपके कैश बैलेंस चेक करना चाहते हैं, तो यस कीजिए, अदरवाइज नहीं तो नो। हम हमेशा यस ही करके निकालते हैं, तो हमारी डे बुक कुछ ऐसे शो होगी। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, मैं यहाँ 5 दिन की निकाल लेता हूँ, वरना ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये डे बुक आ गई। अगर आप इसको ओल्ड भी, ये साइड आपकी क्या कहलाएगी और ये साइड आपकी क्या बन जाएगी? ठीक है, ओल्ड भी करके निकाल लो तो आपको डिटेल मिल जाएगी। ये डे बुक कहलाती है। क्या कहलाती है आप लोगों के लिए? डे बुक। आगे समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर कोई आइटम के बारे में डे बुक मांगेगा तो कहाँ से निकालोगे आप लोग? इन्वेंट्री बुक्स में। ठीक है, यहाँ आ गया समझ में? ये तो थी आपकी बेसिक चीज़ें, कुछ और चीज़ें भी ध्यान दीजिए। किसी ने बोला मुझे एक मंथ की सेल की रिपोर्ट दो, तो कहाँ पर जाना? लिस्ट पे आ जाना, और यहाँ पर जो मंथ मांगता है वो मंथ टाइप कर देना, और अगर वो वैल्यू चाहता है तो यस करना, और नहीं चाहता तो नो कर देना और रिपोर्ट दे। लेकिन अगर उसने क्राइटेरिया दे दिया काफ़ी सारा, मुझे वो निकालो कि एक पार्टी की रिपोर्ट निकालो कि क्या क्या आइटम बेची है, एक आइटम निकालो जो किस किस पार्टी को बेची है, मुझे पार्टी की निकाल के दिखाओ मैंने एक पार्टी को कितने रुपए का माल बेचा अब तक, इस क्वार्टर में किस कौन कौन सी आइटमें बेची हैं, अलग अलग क्राइटेरिया मांग रहा है, फिर वो सेल से नहीं निकलेगी, फिर वो आपकी डिस्प्ले के अंदर सेल एनालिसिस के अंदर जाके निकलेगी। यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ लिखा आइटम वाइज, पार्टी वाइज, आइटम ग्रुप वाइज, पार्टी ग्रुप वाइज, वन पार्टी ऑल आइटम, वन पार्टी ग्रुप ऑफ आइटम, वन पार्टी ऑल आइटम ग्रुप, वन पार्टी ग्रुप ऑल आइटम। ठीक है, आएगी सर 29 तारीख को ये 60 पी पैकेट बिके थे, किसको? न्यू हीरा सेल्स कॉरपोरेशन को, फिर आर के ट्रेडर, दिस एंड दिस, ये सारी रिपोर्ट। क्लियर है? नीचे आ जाइए, ये आ गई आपकी, इस पर क्लिक करोगे तो इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है,
तो कोई कहता है नहीं मुझे पार्टी वाइज चाहिए, मैंने अब तक कितने रुपए का माल बेच दिया है पार्टी को, तो किस पे जाओगे? पार्टी वाइज, तो पार्टियों की रिपोर्ट आ जाएगी जिसमें खाली पार्टी का नाम, उनका GSTN नंबर, नेट सेल क्वांटिटी और नेट सेल अमाउंट। आगे, इस पार्टी को इतने रुपए की सेल करी है, ठीक है? आप चाहते हो क्या क्या कितनी क्वांटिटी बेक की है, तो टॉपिक को ये अनेबल कर देना। आ गई, इतनी क्वांटिटी इतना अमाउंट, ये बिल क्वांटिटी बता रहा है टोटल, ठीक है? आ गया समझ में आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये टॉपिक स्किप नहीं करेंगे, माइंड से इम्पोर्टेंट है।